नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीटी के एक अपडेट के बारे में। ठीक है, तो एक अपडेट आई है कि बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या एग्ज़ाम 6 तारीख से पोस्टपोन हो जाएगा? जो हमारा 6 तारीख से एग्ज़ाम है, क्या वो आगे बढ़ेगा? तो बहुत सारे बच्चे, कम से कम मेरे पास इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट में 100 से अधिक स्टूडेंट्स के डीएम मैसेजेस आ चुके हैं। सिर्फ एक ही मैसेज है कि भैया क्या एग्ज़ाम 5 तारीख को पोस्टपोन्ड हो जाएगा? मतलब जो 6 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, वो क्या अब आगे बढ़ सकता है? क्योंकि 2 बार तो बढ़ गया है, क्या पता तीसरी बार भी बढ़ जाए। तो मैं सभी बच्चों को एक अपडेट देने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो छात्र छात्रा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जावेद मुस्तफा सर जी ने एक ट्वीट किया, लिखा कि पॉलिटेक्निक के छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं कि 6 फरवरी से परीक्षा होगी या नहीं। ऐसे छात्र अपना नुकसान कर रहे हैं, पढ़ने पर ध्यान दें, परीक्षा तिथि में बदलाव मुश्किल है, 6 से ही होंगे। ठीक है, जावेद मुस्तफा सर जी ने भी बोल दिया है कि जो आपकी परीक्षा है वो अब 6 तारीख से ही होगी। ठीक है, उसमें अब कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, बदलाव होना होता तो पहले ही हो जाता। एडमिट कार्ड आने के बाद कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, बाई चांस 1-2% का चांस जो होता है, वो किसी भी दिक्कत हो जाती है जब सेंटर पे या फिर एग्ज़ाम पेपर में, जो आपका पेपर सेट होता है उसमें, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, वरना एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होता है और ना ही अब होगा। ठीक है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी अपनी पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके मैं आपको अच्छे से उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।